नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। पीएम मोदी को मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, राजीव गांधी जैसा हाल करने की धमकी दी थी पुलिस ने, कोच्चि में बढ़ाई सुरक्षा। अमित शाह ने केसीआर पर किया वार, बोले तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण खत्म करेंगे, केसीआर की पार्टी की स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में। उद्धव ठाकरे के निशाने पर चुनाव आयोग, बोले चुनाव आयोग को मोतियाबिंद हो गया है, उसे नहीं दिखता शिवसेना किसकी। केरल के कांग्रेस नेता विक्टर थॉमस ने थमा भाजपा का दामन, जावड़ेकर की मौजूदगी में हुए पार्टी में शामिल। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का बड़ा बयान, बोले सिंधु जल संधि को दुनिया की सबसे पवित्र समझौता करार दिया। बीजेपी ने जारी की 7 मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट, कानपुर से प्रमिला पांडे, अयोध्या से गिरीश पति और गाजियाबाद से सुनीता दयाल को मिला टिकट। परिवारवाद विरोधी नीति पर भारी पड़े राज्य मंत्री, बीजेपी ने दिनेश खट्टी को 2 महीनों को दिया टिकट, वर्षा सहारनपुर और सुधा मेरठ में चेयरमैन प्रत्याशी। शाहजहांपुर मेयर सीटों पर तीनों मंत्रियों ने झोंकी ताकत, सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुई अर्चना वर्मा। इटावा सदर सीट से बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे को उतारा, पूर्व विधायक स्वर्गीय अशोक दुबे की पत्नी कुसुम दुबे लड़ेंगे चुनाव, समर्थकों ने किया स्वागत। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता बोले क्राइम फ्री यूपी कर रही है योगी सरकार, प्रयागराज में मनीष शुक्ला ने कहा सभी 17 नगर निगमों में खिलेगा कमल। अमेरिका में प्लेन से टकराए, 25 इंजन में आग लगी, टेक ऑफ के बाद 20 मिनट तक उड़ता रहा विमान। यूक्रेन के राजदूत का बड़ा दावा, कहा पुतिन मर जाते तो खुशी होती, वो जीनियस नहीं भ्रष्ट है, उनके बाद आने वाला शख्स और बदतर होगा। सूडान में लड़ाई के बीच इंटरनेट बंद, सऊदी अरब ने कुछ भारतीयों को निकाला, भारत ने जिहाद में 2 एयरक्राफ्ट स्टैंड बॉय पर रखे। केन्या में 29 लोगों ने भूखे रहकर जान दी, पादरी ने कहा था इससे जन्नत मिलेगी, अब पुलिस कब्र से शव निकाल रही है। ताइवान के विदेश मंत्री बोले 2027 में हमला करेगा चीन का, हम जंग की तैयारी कर रहे हैं, पहले चीन ने कहा था पूरा ताइवान हमारा। पचास साल के हुए सचिन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया पहला वनडे शतक, दूसरा सचिन मिलना नामुमकिन है। पचासवें बर्थडे पर सचिन बोले ये मेरी सबसे धीमी हाफ सेंचुरी, इसने मुझे जीना सिखाया, मेरे फैंस मैं उन्हें शुक्रिया कहना चाहूंगा। जन्मदिन के मौके पर मास्टर ब्लास्टर पर बरसी दुआएं, शास्त्री ने लिखा आप जीवन में शतक पूरा करें। सीएसके ने जीत की हैट्रिक लगाई, कोलकाता को 49 रन से हराया, टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर बनाकर टेबल टॉपर बने। कोहली की कप्तानी में लगातार दूसरा मैच जीता बेंगलुरु, राजस्थान को 7 रन से हराया, डुप्लेसिस मैक्सवेल के अर्धशतकीय पारियां। हनी सिंह को पसंद थे हेल्दी शहनाज, बोले आप पहले ज्यादा अच्छी लगती थी, मेरी फेवरेट लड़की को वेट गेन करना होगा। ट्विटर ने लौटाया शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण को ब्लू टिक, आइडेंटिटी वेरीफाई हो सके इसलिए वापस दिया। उर्वशी रौतेला ने फिल्म क्रिटिक को भेजा लीगल नोटिस, फर्जी खबर शेयर करने का आरोप लगाया, बोली तुम्हारी वजह से मेरा परिवार परेशान है। एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए आयुष्मान खुराना, कूल ट्रेंडी लुक में नजर आए, दुबई में लाइव कॉन्सर्ट में शामिल होंगे।
जालिमा की शूटिंग के वक्त नर्वस हुई थी माहिरा, नोज टू नोज किसिंग सीन पर चढ़ाते थे क्रू मेंबर्स, शाहरुख भी लेते थे चुटकी। फिलहाल 5 मिनट की 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।